जय हिंद दोस्तों, आपने इंडियन आर्मी की भर्ती में देखा होगा, खासकर कुछ लोग जो 5:30 की, 5:40 की, 5:20 की रेस लगाते हैं वो तो भर्ती क्लियर कर जाते हैं, लेकिन कुछ कैंडिडेट जो 4:50 की, 5 मिनट की रेस लगाते हैं वो भर्ती क्लियर नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है दोस्तों? कुछ मिस्टेक्स, कुछ गलतियां होती हैं जो कैंडिडेट वहां पर जाकर करते हैं, जिसके कारण वो इतनी अच्छी रेस लगाते हैं लेकिन फिर भी भर्ती क्लियर नहीं कर पाते। आज हम इस वीडियो में आपको ऐसी ही 4-5 गलतियां बताएंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए अगर आप भर्ती में जाकर रेस क्लियर करना चाहते हो। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी गलती होती है जो कोई भी कैंडिडेट वहां पर दौड़ने के लिए जाता है, अगर शुरुआत में जाता है तो उसको डर बहुत ज्यादा लगता है। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लो, मैंने बहुत सी पहले इस पर वीडियो बना रखी है, अगर आप किसी ग्राउंड में कॉम्पिटिशन लड़ने के लिए जा रहे हो तो वहां पर भूल जाओ कौन कितना तकड़ा रेसर आया हुआ है। आप आज के मिल्खा सिंह हो, ठीक है, वहां आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बच्चे क्या करते हैं, वहां पर जाते हैं किसी के कपड़े देख के, जूते देख के, बॉडी देख के डर जाते हैं। अरे कुछ नहीं है, वो भी आदमी है, आप भी आदमी हो, आपने भी तैयारी की है, उन्होंने भी तैयारी की है। अगर कंपटीशन में जाना है तो शेर की तरह जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना कौन वहां पर आया हुआ है। आज के चैंपियन आप हो, आज के मिल्खा सिंह आप हो, आज आपका दिन है, ये सोच के रेस में जाओ। अगर डरकर रेस दौड़ोगे तो आपकी 40% शक्ति तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, ठीक है, जितनी तैयारी की है ना 40% तो वैसे ही पानी में गई आपकी। तो डरना नहीं है, कोई कैसा ही कितना ही बड़ा चैंपियन आया हो, कितना ही बड़ा रेसर आया हो, आज के चैंपियन आप हो। दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, इंडियन आर्मी में कुछ ऐसे लोग भी जाते हैं जिनकी आपकी भर्ती नहीं होती, उन्हें किसी और की भर्ती क्लियर करानी होती है, वो क्या करते हैं उस कैंडिडेट की भर्ती कराने के लिए अपना एडमिट कार्ड निकलवा लेते हैं और भर्ती में जाते हैं उस दूसरे कैंडिडेट की रेस करवाने के लिए। वो प्लानिंग क्या करते हैं, उसी ग्रुप में आ जाएंगे और सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट बहुत तेज उठा लेंगे। उन्हें खुद तो भर्ती क्लियर करनी नहीं है लेकिन जो कैंडिडेट की उन्हें भर्ती करानी उसको पता होता है कि ये स्टार्ट तेज उठवाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, उनके साथ ही तेज स्टार्ट उठा लेते हैं, पूरी 400 मीटर खींच के लगा देते हैं। इससे क्या होता है, वो तो रुक जाएगा एक चक्कर के बाद, उसे खुद तो भर्ती क्लियर करनी नहीं है, मर गए कौन जिन्होंने उसके साथ स्टार्ट उठा रखा था। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आपको अपने तरीके से रेस दौड़नी है, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है, प्लानिंग के साथ आते हैं, ठीक है, पूरी साजिश रच रच के लोग वहां पर आते हैं, इस चीज से अवेयर रहना है। कुछ लोग आएंगे जिन्हें ना तो आप भर्ती क्लियर करनी है, बस दूसरों की मेहनत पर पानी फेरना है। तो आपको इन चीजों को ध्यान में रखना है, अपनी रेस दौड़नी है, किसी से कोई मतलब नहीं है, जैसा स्टार्ट आप लेते हो वैसा स्टार्ट लीजिए। अगर आप अपनी रेस भी दौड़ोगे ना, गारंटी देता हूं आप अपनी भर्ती क्लियर कर दोगे, लेकिन वहां पर लोग दूसरों की रेस दौड़ते हैं, किसी ने तेज उठा दिया स्टार्ट तो उसके साथ लग लेंगे, कोई स्लो चल रहा है उसके साथ लग लेंगे। आपने तैयारी कर रखी है, आप अपनी रेस दौड़िए। तीसरी मिस्टेक दोस्तों जो सबसे ज्यादा की जाती है वो है दोस्तों, बहुत से लोगों को क्या समस्या होती है, उनको एक समस्या होती है, वो क्या कहते हैं, अगर मेरी आगे बारी आ गई रेस में ग्रुप में तो मैं रेस आसानी से क्लियर कर दूंगा, अगर पीछे बारी आ गई तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा, उनका वो खुद का माइंडसेट बन जाता है। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में आपकी बारी आगे आए या पीछे आए, दोनों का अपना फायदा भी है, नुकसान भी है। अगर आपकी आगे बारी आ गई तो उसका फायदा क्या है, आप अपनी रेस दौड़ सकते हो, ठीक है, आपको किसी को क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से दौड़ सकते हो। लेकिन नुकसान क्या है, आपको तेज दौड़ना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप स्टार्टिंग में हो, सबसे आगे हो, तो आपकी जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा आपको दौड़ना पड़ेगा। इससे क्या होगा, अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा नहीं है तो आपकी मसल्स भर जाएंगी, आप भर जाओगे, आपको रुकना पड़ेगा, लास्ट के चक्कर अच्छे से नहीं लगा पाओगे, पावर नहीं लगा पाओगे। आगे जाने के फायदे भी है, नुकसान भी है। बात करते हैं पीछे से, अगर आपकी बारी पीछे आती तो सबसे बड़ा नुकसान क्या है, आपको बहुत से लोगों को क्रॉस करना पड़ेगा साइड से, वहां पे आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन फायदा क्या है दोस्तों, वहां पर पीछे रहने का आपको एक अंदाजा आ जाता है किसकी रेस कितनी है, कितनी स्पीड से कौन कितना भाग रहा है। पीछे से क्रॉस करने में टाइम जरूर लगता है लेकिन आप अपनी रेस दौड़ सकते हो, आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आप आसानी से, अगर आप में पावर है तो आप क्रॉस भी कर सकते हो। दोनों के अपने फायदे हैं, दोनों के अपने नुकसान है। तो ये मत सोचना मेरी आगे बारी आ गई तो ये हो जाएगा, पीछे आ गई तो ये हो जाएगा, आपके पास प्लान होना चाहिए। अगर आपकी आगे बारी आ गई तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, मेरी पीछे बारी आ गई तो मैं किन चीजों का ध्यान रखूंगा। दोस्तों चौथी और सबसे बड़ी गलती होती है, रेस तो बहुत क्लियर कर जाते हैं, 40% कैंडिडेट चेस्ट फुलाने में निकल जाते हैं, चेस्ट नहीं फुला पाते, पता नहीं तो वो प्रैक्टिस नहीं करते, पता नहीं वहां पर दब जाते हैं, डर जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। तो आपको इन चीजों के प्रति अवेयर रहना है, आपको ये गलती नहीं करनी है, चेस्ट के ऊपर भी पूरा ध्यान रखना है। आप फुला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं होती 5 सेंटीमीटर फुलाना, लेकिन थकावट के कारण आप नहीं फुला पाते, या आपने पहले कभी प्रैक्टिस ही नहीं की चेस्ट फुलाने की, या चेस्ट मेजरमेंट के चक्कर में आप पहले से उसको फुला लेते हो, तो ये गलतियां नहीं करनी। ये चीज भी ध्यान में रखनी कि आपको चेस्ट का फुलाव भी देना होता है। तो वहां पर 40% कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, इन चीजों से आपको बचना है, चेस्ट भी आपको फुलानी है, उस चीज का भी ध्यान रखना जब आप मेजरमेंट करवाते हो, तो पहले से ही अपनी चेस्ट को फुलाकर माप मत दीजिए, 5 सेंटीमीटर का गैप रख लीजिए ताकि फुलाव के वक्त आप बाहर ना निकलो। दोस्तों पांचवी सबसे बड़ी गलती होती है, डॉक्यूमेंट न लेकर जाना। बहुत से लोग रैली में जाते
जाते हैं डॉक्यूमेंट भूल जाते हैं, वहां पर आपको 30 मिनट का टाइम दे देंगे कि अपने डॉक्यूमेंट ले आइए। कहां से लेकर जाओगे आप? तो घर से चलते हो, एक बार बैग को चेक कर लो, सभी डॉक्यूमेंट है या नहीं है। ये पूछते हैं कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाए। अरे जितने आपके पास डॉक्यूमेंट है ना सभी ले जाओ, ओरिजिनल भी और उनकी फोटोकॉपियां भी। अगर बच जाएंगे तो आपके बैग में वापस आ जाएंगे, कोई हर्जाना नहीं है। अगर कोई डॉक्यूमेंट वहां पर मांग लिया तो आपको परेशानी हो जाएगी, कहां से लेकर आओगे आप आधे घंटे के अंदर। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, आपको इनका ध्यान रखना चाहिए अगर आप इंडियन आर्मी की भर्ती क्लियर करना चाहते हो। अगर आपने तैयारी की है नहीं की है कोई मैटर नहीं करता, अगर ग्राउंड में चले गए तो ये सोच लो आज का दिन मेरा है, मैं चैंपियन हूँ, मैं हूँ आज का मिल्खा सिंह, आज मुझे कोई हरा नहीं सकता। इस माइंडसेट के साथ आपको दौड़ना है, गारंटी देता हूँ मैं आपकी भर्ती क्लियर होगी। जो ये लोग 4:40, 4:50 की तैयारी के बाद भी भर्ती क्लियर नहीं कर पाते उनके यही रीजन होते हैं, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो। जय हिंद जय भारत, अपना भारत जीतेगा।